तो स्वागत है दोस्तों आपके इस नए वीडियो में। तो हम लोग क्लास 9 साइंस का ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, साथ साथ इसमें जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल का, फोर्स इज इक्वल टू GMM बाई R², इसका भी डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मानने के लिए हम लोग एक अर्थ और एक मून को मान लेते हैं। दोनों का ऑब्जेक्ट है, यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है, अच्छा खासा डिस्टेंस है बीच में भी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है कि हर जगह लागू है। ओके, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, जो कि न्यूटन के द्वारा बताया गया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर प्रोपोर्शनल होगा। दोनों का मास ज्यादा तो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा, उसके साथ साथ जो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि जितना ज्यादा उसके बीच का जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से वो चीज फोर्स जो अट्रैक्शन है वो घटता जाएगा। ठीक है, तो इसको डिफिनेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स। जो कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, कोई हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा और उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, कोई भी फोर्स लग रहा है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब कि दोनों के मास के गुना के से प्रोपोर्शनल होगा। तो मान लेते हैं जो अर्थ, यहाँ पे अर्थ और मून का केस हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे m जो बड़ा वाला m है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मान लेते हैं कि अर्थ का मास हो गया और जो छोटा m है ये मान लेते हैं कि मून का मास हो गया। तो दोनों के मास जो भी मास होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा प्रोडक्ट दोनों के मास का, उससे जो ये दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मास अगर बढ़ाते हैं तो फोर्स भी बढ़ेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे अभी कांस्टेंट है, दोनों का मास तो फिक्स्ड है। उसके बाद डिफिने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसका दूसरा पार्ट ये बोलता है, एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको स्क्वायर ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1/d यहाँ पे डिस्टेंस को बता रहा है, तो डी का स्क्वायर यही बता रहा है ना, inversely proportional to square of the distance। ठीक है, तो f is inversely proportional to square of the distance यहाँ पे मैंने कर दिया। ओके, और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अब जो दोनों हमारा इक्वेशन आया था उसको हम लोग कंबाइंड कर देते हैं, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा निकल के आ जा रहा है प्रोपोर्शनल, जो डिफिनेशन बता रहा है उस हिसाब से यहाँ पे हमारा ये निकल के आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हम लोग हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल साइन हटाने पे एक कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पे जी कांस्टेंट आ गया जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स जो अप्लाइड फोर्स जो लगेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी और मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट दोनों मास का प्रोडक्ट बाई डी स्क्वायर। डी मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द जो ऑब्जेक्ट है उसका जो स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा फोर्स का फॉर्मूला निकल जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, जो फोर्स लगेगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में तो वो इसी फॉर्मूला के आधार पे हमारा निकलेगा, इसी सूत्र के हिसाब से निकलेगा। अब जी की थोड़ी बात करें तो जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना है हमेशा कैपिटल जी ही लिखना है, यहाँ पे स्मॉल जी नहीं लिखना है इस फॉर्मूले में, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा अभी आगे थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसको फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे M1 M2, ठीक है, दोनों का साइज अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कुछ भी ले लो आप, दो ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों के जो फोर्स लगेगा दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपेल नहीं करेगा ये, हमेशा एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट खींचेगा ही हमेशा अपने की तरफ। ठीक है, उसके बाद दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, हाँ हमेशा डिस्टेंस अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का नापेंगे तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है आप ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस जो आप नापेंगे हमेशा उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ द मास से नापेंगे। ठीक है, उसका जो जो सेंटर होगा
सेंटर किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर होना या उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, हो सकता है दोनों सेम हो लेकिन हो सकता है दोनों अलग भी हो सकता है, हमेशा सेंटर ऑफ द मास से उसका डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे स्फीयर है, ठीक है, तो स्फीयर का सेंटर ऑफ द मास और सेंटर उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर दोनों सेम होता है, ठीक है, तो उसके सेंटर से ये डिस्टेंस हम लोग नापेंगे, सरफेस से नहीं नापेंगे, यहां से लेके और यहां से बीच में नापना होगा, ये चीज हम ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, हमेशा सेंटर से नापेंगे, ठीक है। तो कहीं पे आर लिखेगा, कहीं पे डी लिखेगा, तो आप जैसा यूज करते हैं आप उससे का ले सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला में चलता है वो आर लेके चलते हैं, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, तो ठीक है। तो फोर्स दोनों का जो फोर्स लगेगा, पहले ऑब्जेक्ट का फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, दूसरा पहले, तो दोनों फोर्स सेम होगा, पहली चीज एफ वन और एफ टू जो दोनों फोर्स लग रहा है वो दोनों सेम होगा, और वो क्या होगा, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस हो जाएगा, एम वन एम टू मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एम टू मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, और आर हो गया डिस्टेंस को लेके चलेंगे, यहाँ आर रेडियस नहीं है, डिस्टेंस है, ठीक है। डी भी यहाँ पे डिस्टेंस था इस वाले फॉर्मूला में, ठीक है, यहाँ पे आर जो जैसा ले रहा है उस हिसाब से चलेंगे, लेकिन हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे, एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फोर्स हो गया जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, और दोनों का मास हो गया बाई डिस्टेंस बिटवीन दिन का, उसका स्क्वायर से निकाल देंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि ये हर तरह के ऑब्जेक्ट पे लगता है, वो ऑब्जेक्ट कितना भी छोटा से छोटा हो, चाहे कितना से बड़ा क्यों नहीं हो, ठीक है। तो जितना चीज हम लोग को विजिबल है या नॉन विजिबल भी है, तो वो अगर ऑब्जेक्ट है उसमें अगर मास है, ठीक है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, हर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ वो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। हालांकि ये हमें इतना आसानी से फील होता नहीं है, ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसको हम लोग पहली बात तो उस ढंग से ध्यान नहीं देते, ठीक है, वो हमेशा लगता है, और दूसरा चीज मास बहुत कम होता है जिसके कारण इसके वैल्यू बहुत कम हो जाती है, इसी कारण ये हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। जैसे कि आप दो आदमी अगल बगल में बैठा हुआ है, ठीक है, दो स्टूडेंट है अगल बगल में बैठे हुए, दो दोस्त बैठे हुए, तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, ठीक है, लेकिन उनका मास का वैल्यू इतना कम है, इसी कारण फोर्स का जो वैल्यू आता है वो मास इतना कम होने के कारण वो वैल्यू नहीं दिखता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा दूर पे है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो फॉर्मूला है जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ये वाला जो मेन फॉर्मूला है उसका जो डिस्टेंस है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में जो दो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस को दुगुना कर दिया जाए तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन चार गुना कम हो जाएगा। कैसे, स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर होने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे, टू टाइम्स कर देंगे, तो टू का स्क्वायर यहाँ पे टू का स्क्वायर कर देंगे, वन वन बाई अगर फोर्स का निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स का स्क्वायर कर देंगे तो मतलब कि आंसर हो जाएगा फोर टाइम्स, समझ रहे हैं इस बात को। इसका मतलब होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको बहुत ज्यादा दूर कर देंगे तो यहाँ पे उसका वैल्यू जो है वो फोर टाइम्स कर जाएगा, अगर सिक्स टाइम्स अगर उस दूरी को कर देते हैं, ठीक है, किसी एक अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बढ़ा के सिक्स टाइम कर दें, मतलब कि मून को किसी भी तरह से हम ढकेल के सिक्स टाइम्स दूर कर देते हैं अर्थ से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून 36 टाइम, मतलब स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 36 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो क्वेश्चन ओरिएंटेड भी ध्यान रखना है और साथ साथ कंसेप्ट को भी समझते चलना है, तो इससे अच्छे से यह चैप्टर समझ में आएगा। अब जो यहाँ पे जी था, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं वही फॉर्मूला लेके चलते हैं, एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर, या आर स्क्वायर लेके चलो या डी स्क्वायर लेके चलो, बात वही है, यहाँ पे डिस्टेंस को लेकर चल रहा है, ठीक है। एम एक ऑब्जेक्ट का मास हो गया, जो दूसरा एम है दूसरा ऑब्जेक्ट का मास हो गया, जी हो गया ग्रेविटेशनल, और जो उनके बीच में फोर्स लग रहा है वो एफ हो गया, ओके। अब यहाँ पे जो है उसको जो डी स्क्वायर जो नीचे उसको लेफ्ट साइड में हम लोग भेजेंगे, ठीक है, क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो एफ डी स्क्वायर इसी को हम लोग इधर भेजे, ठीक है, ठीक है। तो एफ डी स्क्वायर और जी एम एम सब मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे साइन कुछ अगर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ओके। तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये वाला स्टेप, ओके, समझ में आ गया, इसी को हम लोग इधर भेजे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे, कैपिटल जी को रहने देंगे, बाकी दोनों एम को भी नीचे भेज देंगे, तो इसी को पलट के यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल जी, ठीक है, यहाँ पे रहने दिए, और एफ डी ऊपर रह गया यहाँ पे, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, और ये दोनों मास को हम लोग नीचे लिख दिए, ठीक है। तो यहां से हम लोग जो फॉर्मूला के आधार पे जी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। अब सारे चीज का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो जी का वैल्यू, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का हम लोग का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फॉर्मूला यही हो गया इसका, कैपिटल जी का
कैपिटल जी इजकल टू एफ डी स्क्वायर बाई एम क्रॉस एम, ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पे अब हम लोग यहां पे अगर इसका यूनिट निकालेंगे तो सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने 1731 से 1810 के बीच में इनका जीवन काल रहा और एक बहुत ही सेंसेटिव बैलेंस लिए, ठीक है, बैलेंस मतलब तराजू एक तरह का समझ सकते हैं। इसके द्वारा हेनरी कैवेंडिश ने जी का वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट किया था और ये जी का वैल्यू कितना निकाल के आया था तो 6.67, ठीक है, 6.673 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू निकल के आया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये जो वैल्यू है 6.673 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके। तो ये वैल्यू याद रखना है, इसी वैल्यू को हम लोग जी में पुट करेंगे और फॉर्मूला से निकालते चलेंगे फोर्स जहां निकालना है। ये इसका ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जी का, ओके। अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं, तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻²⁴ केजी, जो अर्थ का मास है वो 6 × 10⁻²⁴ केजी, ओके। एंड डेट ऑफ मून, मून का मास कितना है 7.4 × 10⁻²⁰ केजी, ओके, दोनों का मास दिया हुआ है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून है वो कितना है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों का मास मिल गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल गया अर्थ एंड मून का, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो है उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, जी का वैल्यू 6.673 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ओके, ये चीज निकालना है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, तो अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन से निकालना है। दोनों का मास दिया हुआ है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। अब हमें फोर्स निकालना है, तो अपना जो फोर्स वाला जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ग्रेविटेशन एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, और उसका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करेंगे वो जिस ढंग से ये बनाया हुआ है उस ढंग से करेंगे, डायरेक्टली आप समझ गए, इसका मतलब सीधे नहीं है कि फोर्स का फॉर्मूला लिखे और बनाते चले गए, ऐसे गलत हो जाएगा, इस तरह से नहीं लिखना। यहाँ पे जैसे लिखा उस तरह, सबसे पहले जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उसको हमने समझना है, ठीक है। हमने अप्रोच समझ गया कि इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले किसी क्वेश्चन देखिए तो उसको अप्रोच समझिए, अप्रोच समझ में आ जाएगा तो तुरंत बन जाएगा। तो मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है तो मास ऑफ द अर्थ लिख दिए, कैपिटल एम से डिनोट किया। उसी तरह मास ऑफ द मून दिया हुआ है तो मास ऑफ द मून स्मॉल एम लिख दिया और लिख दिया उसका वैल्यू, क्वेश्चन से उतारा हुआ है। अब डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून किलोमीटर में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट को हम लेके चलेंगे तभी तो न्यूटन में आंसर आएगा, ऐसा यूनिट में हमारा आंसर आएगा, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो किलोमीटर में दिया हुआ है तो इसको हम लोग मीटर में, क्योंकि जो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है और मास का केजी होता है, तो मास तो दिया हुआ था केजी में, ओके, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस किलोमीटर में था तो इसको हम लोग मीटर में बदल लेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर वाला जो वैल्यू है उसमें, तो 3.84 × 10⁸ मीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिस्टेंस का, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 6.67 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सारा वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गया। अब हम लोग बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बैठाएंगे, एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, और सारे चीज का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जी के बाद कुछ साइन नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ साइन नहीं दिया हुआ मतलब मल्टीप्लीकेशन में, और ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 6.7 × 10⁻¹⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर हो गया। दोनों का मास लिख दिया, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून, ओके, दोनों मल्टीप्लाई, और नीचे में डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है 3.84 × 10⁸ मीटर, मीटर डिस्टेंस हो गया, इसका स्क्वायर लिए हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं इस पूरे का स्क्वायर लिया हुआ, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2.01 × 10⁻²⁰ न्यूटन इतना फोर्स आ जाएगा। इसको चाहे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए, विदाउट कैलकुलेटर हाथ से कैलकुलेट करके देखिए इतना वैल्यू आता है कि नहीं आता, ओके। इसके साथ जो ये हमारा जो निकल के आया 2.01 × 10⁻²⁰ न्यूटन, यही फोर्स आ गया अर्थ और मून के बीच में। तो अर्थ और मून के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो 2.01 × 10⁻²⁰ न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ओके। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।